Hey guys, welcome back to my YouTube channel Traveling Wanderer. I am Shoykot and today I'm going to tell you a beautiful story of this beautiful small town in Uttarakhand that is called Chopta. Chopta ki ek kahani hai and aaj ki kahani jo hai wo kafi different hone wali hai. Wo is wajah se kyunki aaj ki jo kahani hai wo jo hai puri curate ki hai Tripoto ne. And Tripoto ka ek section hota hai Mindful Retreat karke, Tripoto Mindful Retreat. Usi mein se ek hai The Mankad House Tungna Trek. Aise aur multiple options hai. Agar aapko check out karna hai to main aapko link jo hai wo description mein de dunga. You can check it out from there aur main aapko pura experience शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसा रहता है ये. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग. भाई सुबह के अभी बज रहे, एक्चुअली रात के बज रहे 3 और अभी हम लोग निकल रहे उखीमठ के लिए यहाँ से. सो अभी गाड़ी आने वाली है, उसी का इंतजार कर रहे. काफी ज्यादा ठंड है अभी, ऑलमोस्ट 4 डिग्री है यहाँ पे ऋषिकेश में. सो ऋषिकेश से अभी उखीमठ जाएंगे, फिर वहां से जो है जो बंकर हाउस है वहां पे जाना है. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी द बंकर हाउस में. आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम ऋषिकेश हम लोग सुबह निकले थे, अभी लगभग 10 बज रहा है और हम लोग अभी पहुंच गए हैं बंकर हाउस में पहले दिन के लिए. अभी हम लोग जा रहे हैं देवरी ताल में. सो अभी हमने थोड़ा सा आराम कर लिया था आने के बाद एंड अभी हम लोग लंच करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, लंच करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे देवरी ताल में. एंड दिस इज द लोकेशन वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. पीछे जो है बहुत सुंदर बैकड्रॉप है. सो ऐसा कुछ है ट्रैक अभी ऊपर जाने के लिए एंड काफ़ी ऊंचा है. मैंने जितना सोचा था, मुझे लगा था तालाब होगा तो नीचे जाना है, बट ऐसा नहीं है, ऊपर चढ़ना है हमें. डेढ़ घंटे से हम लोग अपहिल ट्रैक कर रहे हैं एंड अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं. पहले नीचे से पता चला था कि 1.5 किलोमीटर है, फिर बहुत दूर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें बोर्ड दिखा कि और 1.5 किलोमीटर है. तो ऐसी कुछ हालत है, अभी भी चल रहे. बादलों की वजह से सूरज ढक चुका है तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर रहा है अभी से. सो अभी हम लोग जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उतरना भी है. सामने वहाँ पर पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन्स है एंड दिस इज द देवरी ताल जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करके आए हैं ऊपर. It began at the beginning where I stood with you in the night. So चढ़ के समय जो हमें मंदिर दिखा था उसके हमने उस समय दर्शन नहीं लिए थे, तो अभी हम लोग आ गए हैं उसी सेम मंदिर पे. शिव जी का मंदिर है और काफ़ी एक सुंदर मंदिर है. जैसे आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है एंड अभी तो ठंड भी बढ़ रही है, तो जल्दी से दर्शन लेते हैं और फिर वापस बंकर हाउस चलते हैं. सो थोड़ा वाइब इंजॉय करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द day 2 और आज हम लोग जो जाने वाले हैं वो है तुंगना ट्रैक पे. अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे तुंगना ट्रैक पे. एंड सुबह की धूप काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि काफ़ी ठंड थी रात को, तो सो अभी चलते ब्रेकफास्ट करते एंड देन विल हेड टुवर्ड्स तुंगनाथ. तुंगना ट्रैक पे चोपटा जा रहे हैं अभी सबसे पहले एंड वहाँ से जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो लेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे. हम लोग चोपटा के बेस विलेज तक आ गए एंड यहाँ से जो है हमारा ट्रैक शुरू होगा. सो आप पीछे देख सकते हैं एक दरवाज़ा है. तो हम लोग अभी काफ़ी ऊपर तक आ गए एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ चेक पॉइंट. एंड पीछे जो है जो रेंजेस अभी तक के क्लियर नहीं दिख रहे थे वो अभी क्रिस्टल क्लियर है एंड थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है ऑन द वे में, विच यू कैन सी राइट नाउ. रास्ते में अभी तक की हुई नहीं है बट ऊपर में ब्लैक आइस है, सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. फाइनली हमें मंदिर के दर्शन हो चुके हैं. सामने मुझे
चंद्रशिला पीक और मंदिर दोनों दिखाई दे रहा है। एंड ये सुकून जो है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। वहाँ पे जो है तुंगनाथ मंदिर है और एकदम ऊपर वो चंद्रशिला पीक है। हर हर महादेव। इस तरफ पूरा हिमालयन बैकड्रॉप है और मेरे पीछे जो है स्नो कैप माउंटेन्स। फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कोई स्नो कैप माउंटेन पर ट्रैक करता हूँ। ये जो है ये राजू भाई है और साथ में प्रेम भाई, अगर ये दोनों मेरे साथ नहीं रहते तो शायद ही मैं ये ट्रैक इतने जल्दी कंप्लीट कर पाता। ट्रैक तो कंप्लीट कर लेता बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट कितना 3 घंटे में बहुत ऊपर आ गया ना। बस अब थोड़ा रह गया, अब तो मंदिर दिख रहा है तो अब बहुत ज़्यादा जोश आ गया, बस और थोड़ा सा ही बाकी है। सो हर हर महादेव बोलते और ऊपर महादेव ऊपर चढ़ते। भोलेनाथ जी मुझसे जो करवा सकते वो और कोई नहीं करवा सकता, हैंस प्रूव्ड। मैं कभी सोचूं भी ना, 2 दिन पहले जिस इंसान को बुखार था पैरासीटामोल खा के ये ट्रैक करूँगा मैं। 3 बार सोचा था कि कैंसिल कर देता हूँ बट देन फाइनली हियर आई एम, जो कि एक सपना था, टेकिंग वन ऑफ माई बकेट लिस्ट, फीलिंग ब्लेस्ड, ब्लेस्ड विद द गॉड। अरे सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ, सारी दुनिया में जो देगा तेरा साथ। तुंगनाथ मंदिर जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव जी का मंदिर है। सो पंच केदार में से भी एक केदार है ये। फिलहाल तो अभी 4 धाम यात्रा बंद है तो ये भी अभी बंद है। मेरे जो है तुंगनाथ मंदिर है जो कि अभी बंद है। सो अभी जो है ट्रेल थोड़ा ज़्यादा चढ़ाव वाला हो गया, लाइक थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। कैन सी कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। सामने के जो भी माउंटेन रेंजेस है सारे बादलों की वजह से ढक चुके हैं एंड वो जो है चंद्रशिला पीक, टॉप ऑफ दिस ट्रैक। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस और थोड़ा सा बाकी है। सो ऊपर जाते थोड़ा ड्रोन फ्लाई करेंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे और थोड़ा देर सुकून से बैठेंगे। और फाइनली वो लम्हा आ ही गया व्हेन आई वाज ऑन द टॉप ऑफ चंद्रशिला पीक एट 12,610 फीट। इन दैट मोमेंट आई फाउंड माई सेल्फ ग्रेटफुल फॉर नॉट कैंसलिंग द प्लान, एक ऐसा प्लान जो मैं अनगिनत बार कैंसिल करने ही वाला था। आई बिलीव दैट गॉड इज़ कीपिंग मी अलाइव टू विटनेस सच अनफॉरगेटफुल मोमेंट्स। विद द ट्राई कलर इन माई हैंड आई शाउटेड यो बॉय यू आर अमेजिंग एंड आई रिमाइंडेड माई सेल्फ विद अ स्माइल ऑफ अकम्पलिशमेंट। उतर गया फाइनली और सो मच इन पीस राइट नाउ। सो दिस इज माय फर्स्ट सोलो हिमालय ट्रिक, माय फर्स्ट हिमालय समिट एंड द फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम पंच केदार। सो काफ़ी सारे फर्स्ट इसमें मैंने कवर कर लिया अपने बकेट लिस्ट के। सो ऐसा ही कुछ रहा अभी तक की कहानी। तो अब उतरते एंड रूम पे जाते हैं, वहाँ थोड़ी मस्ती वगैरह करेंगे। I was alone. I was away.
तो इस खूबसूरत कहानी को अलविदा कहने का समय आ गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। पीस।